viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से बच्चे की जो खाना नहीं खाता था। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम लियो था। लियो बहुत जिद्दी था और उसे खाना खाने का बिल्कुल शौक नहीं था। उसे सिर्फ मिठाइयाँ, चिप्स और जंक फूड्स पसंद थे। जब उसके पेरेंट्स उसे सेहतमंद खाना खिलाने की कोशिश करते तो वो खाने के मामले में हमेशा अपने पेरेंट्स को तंग करता था। एक दिन लियो ने अपने पेरेंट्स से कहा, मुझे सब्जी और दाल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं सिर्फ मिठाइयाँ और चिप्स और जंक फूड खाऊंगा। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन लियो ने उनकी एक भी ना सुनी। कुछ हफ्तों के बाद लियो की तबीयत खराब होने लगी, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत कम होने लगी। वो अक्सर बीमार रहने लगा और उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया। लियो के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने लियो का चेकअप किया और कहा, लियो, तुम्हें सेहतमंद खाने की ज़रूरत है। तुम्हारी सेहत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि तुम सिर्फ मिठाइयाँ, चिप्स और जंक फूड खाते हो। तुम्हें सब्जियाँ, दाल और फल खाने चाहिए ताकि तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बॉडी मजबूत और तंदुरुस्त रहे। लियो को वो बात समझ आ गई। लियो ने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुना और सोचा, मुझे अपनी सेहत ठीक करनी चाहिए। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं सब्जियां और दाल खाया करूंगा। लियो ने अपनी आदत बदल दी और सेहतमंद खाना खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी, उसकी एनर्जी वापस आने लगी और वो फिर से खुश रहने लगा। उसने समझ लिया था कि सेहतमंद खाना खाना कितना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इस कहानी का सबक ये है कि सेहतमंद खाना खाना बहुत ज़रूरी है। मिठाइयाँ, चिप्स और जंक फूड्स कभी कभी ठीक हैं, लेकिन रोज़ाना खाना वो खाना चाहिए जो हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को ताकत और सेहत दे। हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनो और सेहतमंद खाना खाया करो ताकि आप बच्चे भी लियो की तरह मजबूत और तंदुरुस्त रह सको। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.